नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस से पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने आज प्रेस वार्ता के दौरान शिवराज सिंह चौहान व वर्तमान राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान बीजेपी सरकार कहती है कि कांग्रेस ने योजनाएं बंद की हैं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में सभी योजनाएं चल रही थी, जिसे बीजेपी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बंद किया है। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कार्य करने में और जवान चलाने में क्या फर्क होता है। कमलनाथ जी के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की जनता ने हमारे कार्य को पसंद किया है और जनता ने मन बना लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देंगे। कांग्रेस की यात्राओं का दौर निरंतर चलता रहेगा और हम प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलताओं को आम नागरिकों तक पहुंचाते रहेंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो विकास हो रहा है उसके विकास का एक उदाहरण जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय साथी ने अगर सर सचिन भाई काल में आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे किसानों तक इस बात को पहुंचाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार हमारे और हमारे साथी हमारे हमारे संगठन के जो साथी हैं लगातार किसानों के बीच में लगातार बने रहते हैं और जो जब जब किसानों की जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को बड़ी गंभीरता से और बड़ी ईमानदारी से उन मुद्दों को विषय को हम लोग सरकार के बीच उठाने का काम करते हैं। और जो आज हमने सवाल सरकार से पूछे हैं अगर इसके जवाब हमको नहीं आए तो हम लोग जनता की जो अदालत है किसानों की जो अदालत है उस अदालत में जाकर के हम किसानों के माध्यम से जो है सरकार से इन प्रश्नों के जवाब मांगने का काम करेंगे। आपने 3 साल हो गए बीजेपी सरकार को अपने दृष्टि पत्र को लेकर सवाल उठाए, इन 3 सालों में कांग्रेस और किसानों ने प्रदेश व्यापी कितने आंदोलन किए और कांग्रेस विधायक किशोर पटवारी कह रहे हैं कि 3,000 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार को देना चाहते, तो क्या कांग्रेस सरकार में आएगी तो 3,000 रुपए समर्थन मूल्य देंगे? देखिए, हम लोग लगातार जब जब मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे जब जब किसानों की समस्या आती है या किसानों की जो भी मांग होती है उस मांग को उठा करके हम लोग उस मांग को हम लोग उठाने का काम और हम लोग लगातार जो है किसानों के बीच में हम लोग और हमारे साथी हम लोग बने रहते हैं और जब जब ऐसी मौके आए हैं हम लोगों ने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम सदन के अंदर भी किया और सदन के बाहर भी करने का काम। वो 3,000 आपको शायद याद होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी और इस तरह की शिकायतें लगातार हमारे सामने आ रही थी और एक पूरे देश में एक माफिया जो है काम कर रहा था जो कि हमारे किसानों को अमानक दर्जे का बीज और अमानक दर्जे का खाद जो है उपलब्ध कराने का काम करता था और वो ये नहीं जानता था कि उसके छोटे से लालच के कारण। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।